नगर एवं आसपास के क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखकर जगदीश वाटिका के गोलू खंडेलवाल, मनीष खंडेलवाल एवं प्रीतेश मंत्री ने प्रशासन से उक्त गार्डन में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की पहल की थी, जहां पर पूर्व विधायक मनोज पटेल ने राज्य सरकार के आदेश पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गार्डन का निरीक्षण कर स्वीकृति प्रदान की। इस अवसर पर तहसीलदार बजरंग बहादुर, थाना प्रभारी संजय शर्मा एवं पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। श्री पटेल एवं तहसीलदार के द्वारा बताया गया कि सेंटर में पहले 100 से 150 बेडों की व्यवस्था की जाएगी, साथ ही प्रशिक्षित डॉक्टर एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। सेंटर का निर्माण अभी भविष्य में किया जाएगा, उससे पूर्व यहाँ क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में माननीय पूर्व विधायक महोदय के द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया है, उनके साथ प्रशासन पुलिस की टीम भी है और हमने यहाँ जगदीश वाटिका में जगह देखा है और इसमें लगभग 200 व्यक्तियों को आइसोलेशन में रखा जा सकता है और यहाँ सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हैं, पर्याप्त हैं और इससे उनको एक स्वस्थ वातावरण प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य यदि खराब होता है इस दौरान, तो उसे यहाँ से सीधे ज़िले के किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा और यहाँ उनको ऐसा वातावरण मिलेगा कि कोई पेशेंट जो है भविष्य में जो कोरोना पॉजिटिव है लेकिन वो भविष्य में सीरियस हो जाता है तो ऐसा ना हो, इन चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा और एक तरह से ये जो है उनको उनकी स्थिति को गंभीर होने से बचाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी के निर्देश के अनुसार और आज जिले की मीटिंग हुई, उसमें पूर्व विधायक मनोज पटेल जी के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने और कलेक्टर साहब ने और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इस जगदीश वाटिका का निरीक्षण किया और यहाँ पर बेटमा नगर के लिए और बेटमा क्षेत्र के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए कोरोना का यहाँ क्वारंटाइन सेंटर खोला जा रहा है और इसके लिए मैं पूर्व विधायक मनोज पटेल जी का और आदरणीय गोपाल सिंह जी ज्योति साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बेटमा नगर की ओर से कि बेटमा नगर में क्वारंटाइन सेंटर खोलने के लिए पहल की है और दो चार दिन के अंदर इसको चालू कर दिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये पूरा क्वारंटाइन सेंटर चलेगा, ये बेटमा नगर में 20 सेंटर में, इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल 100 से 150 बिस्तर की व्यवस्था, फिर आगे भी मनोज भैया से बात करके इसको बढ़ाया जाएगा और जो यहाँ पेशेंट है उनको सुविधा रहेगी भोजन की, खाने की, सब भोजन की, रहने की सभी, और इसके साथ ही इसमें भोजन की व्यवस्था जो बेटमा नगर के समाज सेवी और इनसे सहयोग लेके भोजन की व्यवस्था इन लोगों के माध्यम से भी की जाएगी। हम सभी लोग इसमें लगेंगे और बेटमा नगर में क्वारंटाइन सेंटर खोलने के लिए पूर्व विधायक मनोज पटेल जी का और मध्य प्रदेश सरकार का और प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद जी। वाटिका में हम क्वारंटाइन सेंटर खोलने जा रहे हैं, चूँकि क्वारंटाइन सेंटर बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। शुरुआती दौर में अगर हम कोरोना के पेशेंट को यहाँ लाने में सफल रहे
तो उसको बचाने में भी हम सफलता प्राप्त करेंगे। और इस क्वारंटाइन सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहेगा कि यहाँ पर 108 पूरे टाइम रहेगी, जो सर्व सुविधा युक्त रहेगी। यहाँ अगर कोई पेशेंट सीरियस होता है तो उसको सीधे इंदौर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुरंत उपचार के लिए भेजा जाएगा। वहाँ पर जाकर के भी ऑक्सीजन और सारी व्यवस्था, रेमडेसिविर और इन सारी चीज़ों का इलाज तुरंत चालू हो जाए, ये सारी इस क्वारंटाइन सेंटर से जुड़ी हुई रहेगी। इसलिए अभी क्या हो रहा है कि कोई भी पेशेंट इंदौर जाता है, अलग अलग हॉस्पिटलों में भटकता है, जगह नहीं मिलती है, परेशान होता है, दुखी होता है, और ऐसे समय में जब उनके परिवार का व्यक्ति बीमार है, मौत से लड़ रहा है और वह भटक रहा है, यह अच्छी बात नहीं है। इसलिए प्रशासन ने और हम सब ने मिलकर के यह विचार किया कि क्वारंटाइन सेंटर हम बनाएं, यहाँ भी बनाएं, देपालपुर में भी बनाएं, और क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से सीरियस पेशेंट को इंदौर ले जा करके उसका इलाज करवाएं। अभी लगभग 100 से 150 बेड का भी टारगेट है, और आवश्यकता पड़ी तो और बढ़ाएंगे, 200-250 बेड भी तक भी ज़रूरत लगी तो हम क्वारंटाइन सेंटर के बेड बढ़ाएंगे। अभी 100 से 150 बेड हम यहाँ शुरुआती दौर में चालू करने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।